हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज़ीनर डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लिपर्स और क्लैंपर्स के बारे में पढ़ा था। चलिए मूव करते हैं ज़ीनर डायोड की साइड। ज़ीनर डायोड क्या होता है? ज़ीनर डायोड जो है आपका, ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। ज़ीनर डायोड आपका एक स्पेशल पर्पस डायोड है और ये डिज़ाइन किया जाता है टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस एंड ब्रेकडाउन रीजन। मतलब जो ज़ीनर डायोड है, इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस में एक्चुअल में ये वर्क करता है। तो हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस हैं वो रिवर्स बायस में सीन करते हैं। फॉरवर्ड बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व सेम बनता है जो डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व था, यानी कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व था, ठीक है। और ज़ीनर डायोड जो है वो यूज़ होता है एज वोल्टेज रेगुलेटर। इसे हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। मतलब वोल्टेज अक्रॉस डायोड विल बी कॉन्स्टेंट हाउएवर करेंट चेंज। वोल्टेज जो होता है डायोड के अक्रॉस वो कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे आप करंट को कितना भी चेंज कर लें, ठीक है। दूसरा, ज़ीनर डायोड जो है वो हैविली डोप्ड पी एंड एन साइड ऑफ द जंक्शन में होता है। मतलब अगर हम ये सर्किट देखें तो इसमें ये पी प्लस और एन प्लस दो हम रीज़न लेते हैं और दोनों पर हमने प्लस प्लस साइन लगा दिया, यानी कि ये हैविली डोप्ड है। बाकी यहाँ पर डिप्लीशन रीज़न बनती है और क्योंकि ये रिवर्स बायस में वर्क करता है तो हम इसका रिवर्स बायस का डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें हमने P प्लस को बैटरी के नेगेटिव से, N प्लस को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर हमें पता है P प्लस में हमारे पास होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। N प्लस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और हमारे होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये डिप्लीशन रीजन है, जिसमें नेगेटिव इमोबाइल आयंस हैं हमारे, जिनको हम एक्सेप्टर आयंस कहते हैं, और ये पॉजिटिव इमोबाइल्स एन प्लस में हैं जिनको हम डोनर आयंस कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि इमोबाइल आयंस के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है और ये हमारे डिप्लीशन रीजन होती है। अब क्योंकि हम हैविली डोप्ड पी और एन साइड ऑफ द जंक्शन की बात कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ पे चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे और यहाँ पे चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी यहाँ पर, जिस कारण डिप्लीशन रीजन की विथ, रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन रीजन बनता था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा स्मॉल होगी, ठीक है। किस में? ज़ीनर डायोड में, जिसका इफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, ज़ीनर डायोड का हम सिंबल देख लेते हैं, वो क्या होता है। ज़ीनर डायोड का जो सिंबल है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे नॉर्मल डायोड में बस Z की फॉर्म में इस तरह से बना देना है, तो यानी कि ये सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड है। ये हमारा सेम है एनोड और ये है हमारा कैथोड। एनोड को हमने बोला है पॉजिटिव साइड है और कैथोड हमारा नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो इसमें जो याद रखना है वो ये है कि ये स्पेशल पर्पस डायोड है और रिवर्स बायस में ये ऑपरेट करता है और ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। और दूसरा, इसे हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं और इसमें हम हैविली डोप्ड पी और एन साइड ऑफ द जंक्शंस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बार ये देख लेते हैं कि इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, यानी कि ये वाला वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ये हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने ये जो फॉरवर्ड बायस है, ये आप लोगों को पता है, मैं बता चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना अगर आप भूल गए हो तो। यहाँ हम इस वाले रीज़न की बात कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स बायस की। एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लिया है हमने, वाई एक्सिस पर करंट लिया है और रिवर्स बायस में देखते हैं अब क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
हम सबसे पहले वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं करंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब हम यहाँ पे वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं उस टाइम हमारा करंट भी वेरी हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वोल्टेज चेंज कर रहे हो, करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। और जब आप अप्लाइड वोल्टेज जीनर वोल्टेज के बराबर रखकर दोगे, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज और जीनर वोल्टेज आपका बराबर हो जाएगा, उस टाइम करंट में सडन चेंज होगा, यानी कि यहाँ करंट में एकदम से ही सडन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, सडन चेंज होगा जब अप्लाइड वोल्टेज जीनर वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। और जब हम अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल वोल्टेज हो गई थी तब हमें हमारे पास करंट में सडन चेंज हुआ था, और जब हम अप्लाइड वोल्टेज को ग्रेटर देन जीनर वोल्टेज कर देंगे उस टाइम, यानी कि इस वाले पार्ट में, तब हमारे पास क्या होगा, करंट इज वेरी हाई। तब क्या होगा, जब हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं जीनर वोल्टेज से, तो करंट और ज़्यादा हाई हो रहा है हमारे पास, करंट इज वेरी हाई, मीन्स जीनर डायोड इज ब्रेक डाउन। उस टाइम इसका मतलब जीनर डायोड हमारा ब्रेक डाउन हो गया है, मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल फ्लो एट वेरी हाई स्पीड, यानी कि जब यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज को जीनर वोल्टेज से ज़्यादा कर दिया है, उस टाइम करंट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, यानी कि हमारा जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो गया है, और इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट इज़ ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजेस, जैसा कि हमें दिख रहा है, करंट इज़ ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि जब हम जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे करंट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, और वी जेड हमारा रिमेन कॉन्स्टेंट यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तब हमारा ये जो वी जेड है ये कॉन्स्टेंट रहेगा, इसे हम एज ए रेगुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। मतलब वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, बट ये वी जेड है ये हमारा कॉन्स्टेंट है, और इसे हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो इसकी जो यहाँ पर हमने बोला है इसे वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को बता सकते हैं जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बताया हुआ है, इससे और आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट पर वोल्टेज आपको कैसे कांस्टेंट मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट पर हमने वेव दी, आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है वो देखते हैं। इनपुट पर हम दे रहे हैं यहाँ पे अनरेगुलेटेड वोल्टेज, अनरेगुलेटेड वोल्टेज मतलब जो रेगुलेट नहीं है, जैसे कि ये मैंने शो कर रखा है, और आउटपुट पर हमें मिल रही है रेगुलेटेड वोल्टेज। कुछ भी मिल सकती है इस तरह से, ठीक है। इसमें अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने सीरीज रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसको RS बोला है, यहाँ डायोड है हमारा 10 वोल्ट जिस पे सप्लाई है, लोड रेजिस्टेंस है RL जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, इनपुट पर हम वोल्टेज दे रहे हैं VI। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जब हम इसमें KVL लगा रहे हैं तब हमारे पास आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो है हमारी V, यानी कि ये जो हम V दे रहे हैं वो VI को ही हमने V बोला है, V माइनस IRS जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका I, ठीक है। अब हमारा इसमें जीनर डायोड में मेन पर्पस है कि अगर हमने 10 वोल्ट का डायोड लिया है तो आउटपुट पर हमारा 10 वोल्ट ही आना चाहिए, अगर 10 वोल्ट से ज़्यादा आता है तो उतने वोल्ट का यहाँ पर RS के अक्रॉस हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमारा 10 आना चाहिए तो हमने यहाँ 10 लिख दिया, वोल्टेज हमारे पास ये जो सप्लाई वोल्टेज हमने दी शुरू में 12 दी, तब हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस में जो है यहाँ पे वो ब्रेकडाउन हमारा 2 वोल्ट का हो जाएगा, तो हमें आउटपुट पर 10 मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं 11 और हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट पर 10 आए क्योंकि डायोड हमारा 10 वोल्ट का है, तो यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, जिस कारण आउटपुट पर हमें कांस्टेंट करंट मिलती रहेगी।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जीनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर में आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है और ये उसका डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर लिखना है। इसमें क्या है, इनपुट पर हम वोल्टेज दे रहे हैं यहाँ पे ये VI, ठीक है, और यहाँ पे हमें करंट दिया जा रहा है I इस तरह से। जब हम इनपुट पर वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो हमें करंट मिल रहा है जो सीरीज रेजिस्टेंस से होते हुए डायोड में जा रहा है और साथ साथ लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है। जब डायोड में जा रहा है वो करंट, तो उसको हमने जीनर करंट बोला, और जब वो लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है RL में, तो हमने उसको लोड करंट बोला। जीनर करंट को IZ से डिनोट किया है और लोड करंट को IL से। इसमें हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। इन दी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कंटेन जीनर डायोड इन रिवर्स बायस, ए लोड रेजिस्टेंस RL अप्लाइड पैरेलल टू दी जीनर डायोड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और यहाँ हमने सीरीज रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है। अब व्हेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज अप्लाई देन करंट फ्लो इन द सर्किट, जैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं करंट हमारा सर्किट में फ्लो हो रहा है। सम पार्ट ऑफ दिस करंट दैट इज IL फ्लो इन द RL एंड अ स्टेबल करंट IZ फ्लो इन द जीनर डायोड, ठीक है। In this way, the output voltage maintain and zener diode does not break and zener diode act as voltage regulator. तो zener diode as voltage regulator आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो और साथ साथ ये दोनों आपको इसके बारे में बताना है अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तब। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, zener diode as shunt regulator. अब हम पढ़ रहे हैं जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर, ये आपका सिलेबस का ये पार्ट है। दूसरा, इसमें यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है VI, जीनर वोल्टेज है VZ और लोड वोल्टेज है VL, जो कि लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस है, और उसी के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज लेना है। यहाँ पे हम दो केस देखेंगे, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का डायग्राम है। पहले हम केस 1 को स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, वेरिएबल करेंगे हम VI को, यानी कि सप्लाई वोल्टेज को हम चेंज करते जाएंगे, और फिक्स रखेंगे हम लोड रेजिस्टेंस को। अच्छा, शंट का मतलब क्या होता है, शंट का मतलब होता है पैरेलल, और रेगुलेटर का मतलब होता है रेगुलेट करना फ्लक्चुएशंस को, ठीक है। इसमें क्या है, सप्लाई वोल्टेज के साथ जीनर वोल्टेज हमारा पैरेलल में कनेक्ट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पैरेलल में, या फिर ये कह लो शंट में कनेक्ट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर। ये आउटपुट पर कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हम देखते हैं इसमें कुछ केस देख रहे हैं। केस 1 में क्या है, जब हम सप्लाई वोल्टेज को वेरिएबल कर रहे हैं और लोड रेजिस्टेंस को फिक्स कर रहे हैं, उस टाइम IR, सप्लाई वोल्टेज से करंट मिला हमें IR, जो कि हमारा इक्वल है VR अपॉन RS के, ठीक है। अब यहाँ पर VR को हम लिख सकते हैं, एक्चुअली हम अगर यहाँ डिस्कस करें कि दो पॉइंट हैं, बीच में रेजिस्टेंस है, ये हमारा A पॉइंट पर वोल्टेज है VA, B पॉइंट पर वोल्टेज है VB, और यहाँ पे हमारा है वोल्टेज सप्लाई VR, तो हम कह सकते हैं कि VR जो होगा वो होगा VA माइनस VB, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे ये मैंने आपको बताया, उसी तरह हम VR को लिख सकते हैं यहाँ पे VI माइनस VZ, ठीक है, अपॉन RS। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है आपकी IR, जो कि है IZ प्लस IL के इक्वल, यानी कि इस IZ प्लस IL के इक्वल, इसको नाम दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 यहाँ से आ रही है, IL है आपका VL अपॉन RL,
और VL को हम लिख सकते हैं VZ, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, यानी कि लोड वोल्टेज हमारा जीनर वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो VL अपॉन RL को हम लिख सकते हैं VZ अपॉन क्या RZ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से अच्छा यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है RS, इसका जो मेन रोल है वो है आपका कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग का काम सीरीज रेजिस्टेंस का है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ पर हम जब इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं उस टाइम हमारा, जब हम ये इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं उस टाइम हमारा आई आर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा आई आर भी इंक्रीज होता जा रहा है, उस टाइम हमारा लोड करंट जो है वो कांस्टेंट है, ये आई एल हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसके अक्रॉस करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस टाइम लोड करंट हमारा कांस्टेंट है। तब हमारे पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है और उस टाइम हमारे पास लोड वोल्टेज भी कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं जिस कारण जीनर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आई जेड हमारा विल, देयरफॉर आई जेड विल वेरी। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं हमारा करंट उससे जो निकल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, उस टाइम हमारा लोड करंट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लोड वोल्टेज कांस्टेंट है, तो और हमारे पास जीनर वोल्टेज भी कांस्टेंट है। और अकॉर्ड अगर उस ये सब हम इक्वेशन 2 में देखें कि अगर हमारा ये वाला करंट इंक्रीज हो रहा है सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर, बट ये वाला हमारा कांस्टेंट है, तब आई जेड हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 2 में क्या हो रहा है। तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर देती हूँ। केस 2 में हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कर रहे हैं आरएल को, लोड रेजिस्टेंस को, और फिक्स कर रहे हैं वीआई को केस 2 में, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आईआर हमारा कांस्टेंट है, और जब आईआर हमारा कांस्टेंट है तब हमारे पास आईएल वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। आई जेड विल वेरी, ठीक है, मतलब केस 2 में हमने इसको अपोजिट कर लिया, इस बार वेरिएबल कर लिया हमने लोड रेजिस्टेंस और फिक्स्ड कर दिया हमने सप्लाई वोल्टेज। उस टाइम क्योंकि सप्लाई वोल्टेज फिक्स्ड हो गया तो हमारा जो सप्लाई करंट है आईआर वो भी कांस्टेंट हो गया, बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 आईएल हमारा वेरी कर रहा है और आईजेड भी हमारा उस टाइम वेरी कर रहा है। ठीक है, आईएल वेरी कर रहा है और आईजेड भी हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्पाइट दी फ्लक्चुएशन इन इनपुट वोल्टेज और लोड अकॉर्डिंगली जीनर करंट आई जेड एडजस्ट इट्सेल्फ एंड मेंटेन जीनर वोल्टेज कांस्टेंट, एंड हेंस हम ये कह सकते हैं पैरेलल वोल्टेज कांस्टेंट, लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद जीनर डायोड, the voltage in the load is also remain constant। ठीक है, अच्छा इसमें जो RS है वो आपका यहाँ पे ये आपका कंट्रोल कर रहा है जितने भी वेरिएशन हो रहे हैं, मतलब
आरएस का जो मेन रोल है वो कंट्रोलिंग का है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वेरिएशन इज कंट्रोल्ड बाय सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है हमारा ज़ीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर। आई होप आप लोगों को ज़ीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर समझ में आ गया होगा। इसमें हम कितने भी फ्लक्चुएशंस कर लें इनपुट वोल्टेज पर, यानी कि सप्लाई वोल्टेज पर हम कितने भी फ्लक्चुएशंस कर लें, लेकिन ज़ीनर करंट जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और हमारे पास जो वोल्टेज है, ज़ीनर वोल्टेज जो है वो मेंटेन रहता है कांस्टेंट, जिस कारण पैरेलल पर जो लोड वोल्टेज लगा हुआ है वो भी हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है इन द लोड इज ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो ये रहा आपका ज़ीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर। और ये याद रखना कि वेरिएशन इज कंट्रोल्ड, वेरिएशन जितने भी होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय सीरीज रेजिस्टेंस, इसीलिए हम इसको आरएस को यहाँ लगाते हैं। ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है कि वाई आरएस इज यूज्ड हियर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़ीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर कैसे काम करता है, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड है, इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो इसमें क्या है, लोड करंट जो है वो VL अपॉन RL इक्वल है VZ अपॉन RZ के, जिससे हमने नाम दिया है इक्वेशन थ्री। इसमें VL और VZ आपके इक्वल हैं, यानी कि लोड वोल्टेज और ज़ीनर वोल्टेज इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है पैरेलल में वोल्टेज जो है वो हमारे इक्वल होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़ीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जाके मुझे बता सकते हैं। और आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।